और सामने ट्रेन आ रही है चाय वाले, तो ये देख सकते हैं मेकअप, और ये है लाल गोवा की गत्ता फैक्ट्री। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जीसन अली। और आजकल व्यूज़ पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हो या आप लोग को इंटरेस्ट नहीं हो रहा व्लॉग देखने में। तो चलिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ हटके आपको व्लॉग में दे रहे हैं, आपका इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ कॉमेडी के मोमेंट दे रहे हैं, कुछ ऐसे मोमेंट दे रहे हैं कि आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा और आप भी सोच रहे होंगे काश हमारे साथ भी ये मूवमेंट होता। और नैनीताल में रहने की बात तो अलग ही है। नैनीताल की वेदर की बात करें तो नैनीताल का वेदर किस तरीके से हो रहा है अभी वो भी दिखाऊंगा। इस टाइम मैं घर पे इंट्रो दे रहा हूँ, तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं आज के व्लॉग में। और मैं इस टाइम घर के अंदर ही बैठा हूँ, तो देख सकते हैं इस टाइम कपड़े धुल के रेडी हो चुके हैं, इनको हम तय करके लॉगर मसा देंगे और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। और मार्केट में देखते हैं क्या हाल है, गतिविधियाँ क्या चल रही हैं। और तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ को अभी, और अभी फ़िलहाल तैयार होते हैं। तो आज नैनीताल का वेदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, स्नोफॉल की कोई चांस नहीं है लगभग, क्योंकि आधा महीना फरवरी का हमारा हो चुका है और पूरा आसमान खुला हुआ है, धूप इस टाइम चटक है। और दिन में तो धूप में भी थोड़ी तपिश लग रही है, गर्माहट का एहसास हो रहा है, लेकिन सब सुबह शाम का ठंडा है थोड़ा। और पहले तो काफ़ी ठंडा था दिसंबर में, कपकपाने वाला, लेकिन इस तरह का ठंडा भी नहीं है। और इस टाइम मैं अपने घर पे ही हूँ और मैं फिर से जा रहा हूँ शादी में, तो क्यों ना सोचा थोड़ा सा व्लॉग दे आपको दे दिया जाए, क्योंकि कल मेरा व्लॉग नहीं आया, कल मैं कहीं चले गया था उस वजह से व्लॉग नहीं बना पाया था। कल मैं कोशिश बहुत करी व्लॉग बनाने की, लेकिन नहीं हो नहीं पाया, क्योंकि फिर घर में तो वाईफाई है, जाम गया था वहाँ, नेटवर्क की समस्या थी, फिर व्लॉग अपलोड करने में मुझे दिक्कत आ जाती। तो फिलहाल जहाँ पे मेरा कैमरा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक देख रहे होंगे, और दोनों पहाड़ियों के बीच में लेक है, उधर आसमान खुला हुआ है। तो आज फिलहाल नैनीताल का वेदर कुछ इस तरीके से बना है, और 12 बज चुके हैं, 12 बजे के आसपास कुछ इस तरीके का वेदर, बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब स्नोफॉल तो नहीं होती है, खैर अगर आप लोगों को नैनीताल घूमना है तो आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं आप। और आजकल तो वेदर का भी अच्छा घूमने के लिए, सारी जगह आसानी से घूम सकते हैं, इजली घूम सकते हैं। और टैक्सी की जो मतलब अभी जो रेट है वो बहुत सही रेट है इस टाइम, चाहे टैक्सी के हों चाहे होटलों के हों, मतलब हर उस चीज़ में रेट अभी कम है। फिर आने वाले अब मार्च या अप्रैल से फिर से रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीज़न आने लग जाता है तो रेट फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अभी आप लोगों को अगर अच्छे उसमें घूमना है तो अभी आप आ सकते हैं, फिलहाल कुछ इस तरीके का नज़ारा है ये। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम मैं जा रहा हूँ शादी में, और मैं पहुँच चुका हूँ दो गांव के मैं रुका हूँ अभी मैं। ये देख सकते हैं हल्द्वानी की रोड है, हाईवे लगा लीजिए ये, और इधर है पकौड़ी आलू चाय बन रही हमारे सामने, ये ब्रेड पकौड़ा। तो हमने सुबह चाय पी लेते हैं अभी, फिर चलते हैं हल्द्वानी में, शादी में जा रहे हैं पार्टी में, तो यहाँ से मिल जाता है पकौड़ी आलू पकौड़ी, ये ब्रेड पकौड़ा। और ये हाईवे है, ट्रक व्रक सब चलते हैं, अल्मोड़ा रानीखेत बागेश्वर ये देख सकते हो। और कुछ यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है, तो ये देख सकते हैं मेकअप करनी इस टाइम, और फेस रिवील हो चुका है इनका, ये हंस रही हैं, ये तो ये मेकअप कर रही हैं। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ पंत नगर, ये देख सकते हैं आप, एक इच्छा बरेली की रोड है, बरेली हाईवे, वो रोड बड़ी ख़राब है। तो इस टाइम मैं लाल गोवा पहुँचने वाला हूँ, कुछ इस तरीके की रोड है, और यहाँ तो गर्म होने लग गया, मतलब जैकेट उतारने की
मौसम जो है वेदर चेंज हो गया है और गर्मी का एहसास होने लग गया है। और नैनीताल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, अभी दिन में थोड़ा बहुत गर्म है, शाम सुबह को ठंडा है। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ जहाँ पंतनगर, जहाँ पे हवाई अड्डा भी है, जैसे दिल्ली की फ्लाइट ही चलती है पंतनगर से। इस टाइम में वो लालकुआ की रोड, बर्की रोड पर लालकुआ पहुँचने वाला हूँ। तो इस टाइम हम पहुँच गए लालकुआ। रेलवे स्टेशन है, एक इसका नया स्टेशन बना है ये लिखा है लालकुआ जंक्शन। पुराना वाला है ये, देख सकता है। तो ये लालकुआ की बाजार इधर ही है पूरी, और किच्छा बरेली रोड है ये। और यह है लालकुआ की गत्ता फैक्ट्री। उनसे कहिएगा मुझे फोन कर ले। थैंक यू सो मच। ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। और सामने ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं ये। अच्छा, हमको सिखा रही है। लालकुआ को जा रही है और यहाँ से लखनऊ को जाते हैं, बरेली को जाते हैं, और दिल्ली से जो जाते हैं वो तो हल्दी होते हुए जाते हैं। और ये पहुँच गए हम पंतनगर, पंतनगर की मस्जिद। फिर जो मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया, आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।